अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था कार्य और ऊर्जा, उसमें हमने कल ऊर्जा के बारे में बताया था, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। फिर हमने अलग अलग ऊर्जा के रूप लिए थे। सबसे पहले हमने गतिज ऊर्जा ली थी। गतिज ऊर्जा क्या बताई, किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। फिर हमने स्थितिज ऊर्जा ली थी। स्थितिज ऊर्जा क्या थी, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। फिर हमने गतिज ऊर्जा का सूत्र भी निकाला था। तो गतिज ऊर्जा का जो लास्ट फॉर्मूला है, सूत्र आया था, वो आया था 1/2 द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर। गतिज ऊर्जा का हमने निकाला था तो 1/2 द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर आया था। इसी प्रकार हमने स्थितिज ऊर्जा का भी फॉर्मूला निकाला था। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आया था MgH। क्या था, MgH, एच उसकी स्थिति में परिवर्तन था, यानी कितनी ऊंचाई तक हम उसको ले जा रहे हैं। ठीक है, फिर हमने कुल ऊर्जा निकाली थी। तो जो कुल ऊर्जा होती है किसी भी वस्तु की, वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योगफल के बराबर होती है। उसको हमने सॉल्व किया था, जैसे हमने बताया था, जब किसी स्प्रिंग को दबाते हैं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे वापस छोड़ते हैं, स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है, गतिज ऊर्जा। तो जो स्थितिज ऊर्जा और जो गतिज ऊर्जा का योगफल होता है उसी को हमने कुल ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा भी कहा था। फिर हमने ऊर्जा संरक्षण का नियम बताया था। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बताता था, कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। इसका मीनिंग है, ऊर्जा का मान हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। यानी हम कहीं पर भी ऊर्जा निकालें, ऊर्जा का मान समान ही प्राप्त होगा। सिर्फ क्या होगा, जो गतिज ऊर्जा है वो कहीं स्थितिज ऊर्जा में बदल सकती है, स्थितिज ऊर्जा कहीं पर गतिज ऊर्जा में बदल सकती है। परंतु हम कुल ऊर्जा निकालेंगे उसका मान हमेशा समान ही आता है। इसका हमने एक सवाल यानी एक उदाहरण भी किया था। हमने एक स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु के लिए कुल ऊर्जा निकाली थी। तो हमने तीन स्थितियों पर कुल ऊर्जा निकाली थी। स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु के लिए तीन स्थितियों में कुल ऊर्जा निकाली थी। तो हमने देखा था ए स्थिति, बी स्थिति और सी स्थिति। तो इन तीनों स्थितियों पर हमने जैसे कुल ऊर्जा निकाली थी, तो तीनों स्थितियों पर कुल ऊर्जा का मान समान आया। तीनों स्थितियों पर कुल ऊर्जा का मान क्या आया था, MgH। तो इससे क्या मालूम चला था कि स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु के लिए कुल ऊर्जा का मान हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। यह हमने कल तक हमने पूरा किया था। आज हम यह टॉपिक करते हैं, हमने गतिज ऊर्जा की परिभाषा पढ़ी, संवेग की परिभाषा पढ़ी। तो आज हम गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच में एक संबंध निकालते हैं। आज हमारा यह टॉपिक है गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध, गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। गतिज ऊर्जा के टॉपिक का परिभाषा बता देता हूं। क्या था, किसी वस्तु की गति के कारण वस्तु में उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गति के कारण वस्तु में उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जो गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा को हम न्यूटन के कार्य के लिए बार बार संबंध निकालने के लिए इसमें के से डिनोट कर लेते हो, के जी ए जी होता है कार्य के लिए। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आया था याद होगा आपको, 1/2 एम जी स्क्वायर। तो किसी वस्तु की गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। फिर हमने संवेग की परिभाषा भी पढ़ी थी। संवेग को हमने पी से प्रदर्शित किया था। क्या बताया, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग बराबर आएगा द्रव्यमान इनटू वेग, पी बराबर आएगा एम। अब हमको क्या करना है,
गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच में संबंध स्थापित करना है। किसके अंदर? गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच। अब हम उसको कैसे सॉल्व करें? गतिज ऊर्जा संवेग के बीच संबंध निकालने के लिए क्या करते हैं? या तो एक काम कीजिए, यहां से जी का मान निकाल तो आप पुट कर दीजिए, तो समीकरण एक या सीधा साधा होने के बाद दोनों से गुणा कर दीजिए, क्या आपको लगेगा मेरे दोस्त? या है यहां से मैं जी का मान निकालूं तो पी अकाउंट एम आएगा एक प्रश्न नंबर तीन। तो समीकरण एक में टी से मान तो यहां रखिएगा बार बार में गतिज ऊर्जा उसको सॉल्व में के लिख देता हूं, क्या हो गया एक तथा दो एम बी का मान हो गया, बी का क्या हो रहा है स्क्वायर, ये क्या आएगा पी अपॉन एम का स्क्वायर, ए बराबर एक बटा दो एम पी स्क्वायर बटा एम स्क्वायर, एक एम से एम घटे क्रॉस मल्टीप्लाई हो तो टू एम ए बराबर पी स्क्वायर, पी इक्वल टू रूट ऑफ हमारा गतिज ऊर्जा संवेग में संबंध आया है। क्या संबंध होता है? पी बराबर क्या होता है रूट ऑफ टू एम के, यानी जो गतिज ऊर्जा है उनमें संबंध आता है पी इक्वल टू रूट ऑफ टू एम के। तो यहाँ दूसरी तरफ चलना चाहते हैं दोनों तरफ टू क्विंटल लाते हैं और दोनों तरफ एम से गुणा कर लेते तब भी यही आता है, ये हमारा गतिज ऊर्जा संवेग में संबंध आया है। क्या संबंध आया है? पी इक्वल टू रूट ऑफ टू एम के। इससे हम एक को पॉइंट लिखना चाहिए सिस्टम की फर्स्ट, सिस्टम की फर्स्ट क्या लिख सकते हैं? जब वस्तु का द्रव्यमान नियत हो, तो जब वस्तु का द्रव्यमान नियत होगा तो जो वस्तु का संवेग है एक प्रकार से गतिज ऊर्जा के समानुपाती, समानुपाती मतलब क्या है? यानी जब वस्तु का गतिज ऊर्जा अधिक होगी तो उस वस्तु का संवेग भी अधिक होगा, जिस वस्तु की गतिज ऊर्जा कम होगी उसका संवेग भी कम होगा। अगर वस्तु का द्रव्यमान नियत है, द्रव्यमान नियत क्या है? हम दो वस्तुएं ले रहे हैं और दोनों का भार बराबर है, यानी दोनों वस्तु दो दो किलोग्राम की, परंतु जो वस्तु अधिक गति कर रही है ठीक है, यानी जिस वस्तु की गति अधिक है उसका संवेग भी अधिक होगा और जिस वस्तु की गति कम है उसका संवेग भी क्या होगा कम होगा, यानी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा। और अगर पुस्तक की साइकिल है जब वस्तु की गति ऊर्जा नियत हो जब दोनों वो वस्तुएं ले रही और अगर दोनों वस्तु समान गति कर रही, यानी दोनों में गतिज ऊर्जा समान है, तो जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक है उसी का संवेग अधिक होगा और जिस वस्तु का द्रव्यमान कम है उसका संवेग भी कम होगा। तो ये हमारा गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच में क्या आया है संबंध। तो गतिज ऊर्जा संवेग के बीच में संबंध क्या होता है? पी इक्वल टू रूट ऑफ टू एम के होता है। पी जी गर्टू क्या होता है? रूट ऑफ टू एम के। इसके अंदर गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच में ये हमारा क्या होता है? संबंध होता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक हुआ संवेग और गतिज ऊर्जा में पावर क्या होती है? जैसे कार्य में क्या बता रहा है? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता। अब पावर क्या होगा? यानी शक्ति क्या होगा? जिसमें जितना ज्यादा शक्ति होगा उतनी देर कार्य करेगा और जिसमें शक्ति कम होगी वह कम देर कार्य करेगा। इसलिए इसकी परिभाषा क्या हो गई? किसी वस्तु के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं।
किसी वस्तु के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यानी कोई वस्तु जितनी शक्ति अधिक होगी वह वस्तु उतनी ही देर कार्य ज्यादा करेगी, और जिस वस्तु की यानी जिस व्यक्ति की या कोई भी ले उसकी पावर कम होती है वो कार्य भी कम देर तक करता है। इसलिए हमने देखा होगा कोई व्यक्ति अगर समान कार्य कर रहे हैं तो अगर जिसकी पावर अधिक है तो वो कार्य करने में कम समय लेगा, और कोई उतना ही कार्य जिसकी पावर कम है वो अधिक समय लेगा। तो किसी वस्तु के कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इसका फॉर्मूला मैंने सबसे माना कोई मशीन टी समय में डब्लू कार्य करती है तो मशीन की शक्ति टी बराबर डब्लू अपॉन, तो शक्ति का मामला क्या हो गया, पी बराबर डब्लू अपॉन। यानी किसी व्यक्ति के कार्य करने की जो दर होती है उसी को हम शक्ति कहते हैं। शक्ति का फॉर्मूला शक्ति अदिश राशि होती है शक्ति क्या होती है, अदिश राशि। तीसरा शक्ति का जो मात्रक होता है, अब देखो P बराबर W अपॉन T है, W क्या है कार्य, T क्या है समय। वो कार्य का मात्रक आप जानते हो क्या होता है, जूल, और समय का मात्रक सेकेंड। इसलिए शक्ति का मात्रक जूल अपॉन सेकेंड, और जूल अपॉन सेकेंड को लिखा जाता है वॉट, समय मात्रक वॉट लिखा जाएगा। तो शक्ति का मात्रक वॉट होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है वॉट होता है। फिर आप देखो जो मशीनें लाते हैं कम पानी खींचने वाला वो लिखता है हॉर्स पावर स्कीम लिखा होता है, इसलिए हम यहां लिख सकते हैं शक्ति का अन्य मात्रक अश्व शक्ति शक्ति अश्व शक्ति हॉर्स पावर। देखो होगा ये खेतों में बड़े बड़े पंप लगे होते हैं, जितने ज्यादा हॉर्स पावर होता है उसके कार्य करने की क्षमता यानी उतनी देरी वो कार्य ज्यादा करता है। ठीक है, एक हॉर्स पावर जो एक अश्व शक्ति होता है वो 746 वॉट के बराबर होता है। बहुत बड़ा आता है, एक अश्व शक्ति कितने 746 वॉट के बराबर होता है। तो शक्ति का मीनिंग आपको क्या हो गया, अश्व शक्ति होता है, अश्व शक्ति का मीनिंग क्या है, एक अश्व शक्ति जो होता है वह 746 वॉट के बराबर होता है। तो मैन शक्ति का मतलब क्या माना जाता है, वॉट माना जाता है। ठीक है, हमारे घर में भी आता है किलो वॉट, ठीक है होता है किलो वॉट, इतनी बिजली खर्च हुई है। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है वॉट, लेते हैं अलग अलग वॉट के बल्ब, जैसे 40 वॉट का बल्ब उसकी शक्ति है क्या है, उसकी शक्ति जैसे 60 वॉट, अपन कहते हैं जितना वॉट का ज्यादा होगा उतना ही ऊर्जा ज्यादा खर्च करेगा, यानी वो उतना ही कार्य ज्यादा करेगा तो उसकी ऊर्जा उतनी खर्च होगी, उसका बिल ही ज्यादा आता है। इसलिए अपन देखते हैं घरों में कम वॉट के बल्ब लगाते हैं, कैसे तरीके क्या होता है कि उसकी ऊर्जा कम खर्च हो। फिर शक्ति का मात्रक क्या होता है, अश्व शक्ति होता है, क्या ये अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, 746 वॉट के बराबर, क्या होता है 746 वॉट के बराबर। अगर शक्ति में एक और मामला लिखा जाए, हम जानते हैं कि कार्य होता है
होता है बल इनटू विस्थापन होता है। इससे अगर हम शक्ति का एक और फॉर्मूला लिखना चाहें तो शक्ति पी बराबर यानी क्या हो गया बल हो गया एफ और विस्थापन को एस से डिनोट करते हैं ठीक है। तो मैं शक्ति का एक और फॉर्मूला लिख रहा हूँ पी इज इक्वल टू तो कार्य की जगह क्या लिख सकता हूँ बल इनटू विस्थापन और नीचे आ गया समय और हम पढ़ चुके हैं विस्थापन में जो परिवर्तन की दर होती है वो वेग होती है। विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग बी इक्वल टू आ गया है यहां एस अपॉन टी विस्थापन में परिवर्तन की दर बराबर क्या होगा वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर बराबर क्या होता है वेग तो पी इक्वल टू एफ बी ए कोर्स का फॉर्मूला तो मैं शक्ति का फॉर्मूला क्या कहेंगे जो कार्य करने की दर होती है किसी भी वस्तु की उसी को हम क्या कहते हैं शक्ति कहते हैं। शक्ति अंतरिक्ष होती है शक्ति का मात्रक जूल अपॉन सेकेंड होता है मैन मात्रक को छोटा लिखा जाता है वॉट लिखा जाता है। शक्ति के अन्य मात्रक मस्त शक्ति अर्थात तरीका शक्ति सांसु अगर आप लिखना चाहते हैं एक वॉट की परिभाषा देखो कैसे पी बराबर क्या है डब्लू अपॉन टी शक्ति पी बराबर क्या है डब्लू अपॉन टी। अब अगर मैं पी बराबर ए सेकंड और डब्लू बराबर ए जूल दे दूं पी बराबर क्या हो जाएगा एक वॉट एक बटा एक तो क्या हो जाएगा यदि कोई मशीन एक सेकंड में एक जूल कार्य करती है परिभाषा क्या हो गई यदि कोई मशीन एक सेकंड में एक जूल कार्य करती है तो मशीन की शक्ति एक जूल होती सॉरी मशीन की शक्ति यदि कोई मशीन एक सेकंड में जूल कार्य करती है मशीन की शक्ति एक वॉट होती है हमारी किसकी परिभाषा हो गई एक वॉट की परिभाषा हो गई यानी कोई मशीन एक सेकंड में कितना एक जूल कार्य करती है तो हम कह सकते हैं कि मशीन की शक्ति कितना होगी एक वॉट होगी। तो ये हमारा शक्ति के बारे में देखिए शक्ति का भी सिंबल पी है और संवेग का भी प्रतीक पी है अपने को ध्यान रखना है संवेग पी से डिनोट करते हैं और शक्ति को भी हम पी से डिनोट करते हैं तो कंफ्यूजन मत हो जाना लिखा हुआ मिलेगा संवेग तो संवेग पी बराबर एम वी होगा और शक्ति मिलेगा पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी होता है। तो यह हमारे किसके बारे में हो गया शक्ति के बारे में तो शक्ति भी अधिक राशि हो गई तो हमने अधिक राशि के बहुत से उदाहरण पढ़े थे तो हमने उदाहरण में समझ भी लिया कार्य निकाला बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं फिर हमने ऊर्जा निकाला कार्य करने की क्षमता को भी ऊर्जा कहते हैं फिर हमने शक्ति के बारे में बताया शक्ति क्या हुई कार्य करने की दर यह आगे से आगे संबंधित देश में आप अधिक राशि हो गई क्यों कार्य के लिए आ गया कार्य अधिक राशि हुई तो हमारा फिर अपना कौन सा ऊर्जा की अधिशासी हो गई कार्य अधिशासी जब हमारी शक्ति भी अधिशासी हो गई तो यह हमारे किसके बारे में हो गया शक्ति के बारे में शक्ति का हम एक मशीन में हॉर्स पावर लिखते हैं तो एक हॉर्स पावर हम लिख रहा है 746 वॉट होता है अगर एक वॉट की परिभाषा लिखते हैं तो अगर एक मशीन एक सेकंड में एक जूल कार्य करती है तो मशीन की शक्ति हम कितने कह सकते हैं एक जूल एक वॉट होती है। तो ये हमारे किसके बारे में आया है शक्ति के बारे में आया फिर हमने शक्ति का एक और फॉर्मूला निकाला कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल और जो वेग का गुणनफल होता है वो भी शक्ति होता है बल और वेग का गुणनफल भी क्या मान सकते हैं शक्ति मान सकते हैं।